लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लौट आया कांग्रेस का बब्बर शेर, आते ही उड़ा दी भाजपाइयों की नींद, मचा हड़कंप। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेरा ने बुधवार 6 मार्च को एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम को उनकी घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वह पहले कांग्रेस में ही थे। 2019 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में श्रीकांत जेना को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। 73 वर्षीय श्रीकांत जेना नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में पार्टी के ओडिशा प्रभारी अजय कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। अजय कुमार ने उनका स्वागत किया। श्रीकांत जेना की कांग्रेस में घर वापसी ऐसे समय हुई जब लोकसभा चुनाव 2024 करीब है और इसी साल ओडिशा विधानसभा चुनाव भी होना है। कांग्रेस में वापसी करते ही जेना BJD और BJP पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि इंडिया अलायंस BJD और BJP को हरा देगा। श्रीकांत जेना ने कहा, मैं शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और कुछ गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई। मैंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत की और अब वापसी कर रहा हूँ। उन्होंने BJD और BJP पर निशाना साधा। श्रीकांत जेना ने कहा, ओडिशा में एक चुनौती है, BJD और BJP अब खुलकर साथ आ गए हैं। मुझे भरोसा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन BJD BJP का सामना करेगा और उन्हें हरा देगा। इसी के साथ आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले BJP और BJD के नजदीकियों को लेकर पूछे गए सवाल पर ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने कहा, BJP और BJD कई वर्षों से लिव इन रिलेशन में थे। नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक जी से अनुरोध है कि जल्द इसका आधिकारिक ऐलान कर दें, इसका कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने दावा किया कि ओडिशा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी।